अरे 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 भाई भाई भाई, अरे ओ भाई साहब, पूरा ब्लैकआउट हो गया यहाँ पे। अरे यार, चेरी को बहुत मिस करूंगा गाइस। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन सुबह सुबह ही निकलना पड़ा कोलकाता के लिए। घर को और अपने गांव को काफी ज्यादा मिस करूंगा। आना भी ना, अंधेरा में ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। एक अच्छा रोड मिलने के बाद भी ना कुछ भी नहीं दिख रहा सामने। सीधा ठीक है। मैंने मैप भी ऑन नहीं किया, तो एक अंकल सुबह सुबह यार पॉटी करने आए थे ना, तो मैंने उनसे पूछ लिया। अरे भाई साहब, ओ भाई, अंकल सुबह सुबह पॉटी कर रहे हैं। हाफ आवर फॉग में ही आस्ते आस्ते करके गाड़ी चलाया। अभी ना अराउंड 550 के करीब किलोमीटर, 600 किलोमीटर और भी जाना है। तो अभी आगे आगे देखते हैं गाइस होता है क्या। विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, लेफ्ट साइड में देख सकते हो पूरा एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा, देख सकते हो थोड़ा मोटा बस दिख रहा है। एंड ये रोड्स पे गाड़ी चल रहा है बोल के अभी थोड़ा ना फॉग यहाँ से चला गया, क्लियर हो गया। बी लेट देन टू बी लेट मिस्टर, ये हमेशा दिमाग में रख के आप लॉन्ग ट्रिप पे चले। सब जगह पे ना बहुत केयरफुल होकर गाड़ी चलना। देखो, कोई ट्रैफिक सिग्नल बोल के कुछ नहीं है, उल्टा सीधा ये लोग गाड़ी ढुकाएगा और आपका एक उल्टा कंटेंट बना देगा। ओ भाई साहब, पूरा ब्लैकआउट हो गया यहाँ पे, टोटली ब्लैकआउट हो गया। मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह सुबह ही देखो भाई, फॉग के कारण क्या हो गया। ओ भाई साहब, आज ही हुआ ये? कल हुआ, बोले हम कल 2 बजे में हुआ। बाप रे, ड्राइवर बचा? सोया हुआ है वो? ले लिए, वीडियो बना लिए। हाँ, ये फॉग की वजह से ना बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। विंटर्स में तो और भी ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अरे भाई क्या यार, इन लोगों को देखता नहीं, हाईवे बोले कुछ भी नहीं है। क्विक शिफ्टर एंड सामने साइकिल वाला। झारखंड के बॉर्डर पे साइड कट मार के निकल जाता हूँ। मैंने ना अभी 250 किलोमीटर कवर कर लिया, लेकिन बहुत टाइम लग गया। अरे 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 अरे, अरे भाई भाई भाई, छोड़ दिए भैया, छोड़ दिए। ठीक ही है यार, यार
गलत ओवरटेक करता है यार ये लोग। बहुत ज्यादा जगह खाली हो तभी ओवरटेक किया करो। देखो 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 ये ट्रक वाले को देखो, ये देखो बाइक कार को ना प्रायोरिटी नहीं देता ये लोग। माउंटेन्स ना देखना शुरू हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग झारखंड में आ चुके हैं। देखो रास्ते में छागोल मतलब खस्ती वस्ती यहाँ पे घूम रहा है। अच्छा हमको सिखा रहा है तो बहुत ही सेफली राइड करना होगा। अरे ये भाई साहब साढ़े 400 किलोमीटर कवर हो चुका है एंड अभी अराउंड 150 किलोमीटर के करीब बाकी है। देख सकते हो गाइस पीछे अपना किस्मत एंड पीछे का जो व्यू देख सकते हो माउंटेन का एक नंबर है। एंड इधर दिखाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे आप लोग बैक कैमरा में दिखाता हूँ आप लोग को ये भाई ये कौन सा जगह है भाई नहीं मतलब ये जो नदी है इसका क्या नाम है मतलब वो जो दिख रहा है यहाँ से पता नहीं है तुम यहाँ के वासी हो तुमको पता नहीं है गजब इज्जती हो भाई। देखो भाई क्या सॉलिड व्यू आ रहा है ना यार। ओहो हो रास्ता भी है ना भाई ये भी पूरा एक नंबर है। XP95 पहले भी फराए थे एंड अभी भी फरा रहे एकदम फुली हो गया भाई परफेक्ट। ए रे देखो ना तू कूद नहीं आगे जाके गया अरे यार हेवी ड्राइवर दीदी। चुके हम लोग बोलपुर एंड वेस्ट बंगाल में हम लोग ने एंट्री ले लिया है। शाम को ना 6:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था एंड भाई बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी था मतलब बॉडी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ क्योंकि स्पीड ब्रेकर इतने सारे थे जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है लॉन्ग राइड में। अगर आप कांस्टेंट चल रहे हो मैं यहाँ से बनारस भी चला गया था तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता क्योंकि रोड बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ का रोड भी अच्छा था लेकिन भाई बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर था हर जगह जगह में बोलपुर वगैरह में दुर्गापुर आते थे तो मेरे को मन ही नहीं कर रहा था बाइक चलाने का मतलब मैं सोचा छोड़ो मैं बैठ जाता हूँ। जो भी हो भाई फाइनली अपना किस्मत को लेके जैसे जैसे करके मैं ढांग टूट के रखा हूँ अभी आ चुका हूँ यार एंड अभी कोलकाता हूँ एंड अभी ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे तो गाइस स्टे ट्यून्ड रहो। होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में गाइस।